बाढ़ के असन्न खतरा को देखते हुए जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने अधिकारियों की टीम के साथ बड़हरा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक कर सभी को आवंटित पंचायतों में निर्धारित दायित्व के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में अवगत कराया गया कि बड़हरा के सरैया हाई स्कूल में बाढ़ आपदा का बेस कैंप बनाया गया है। इस कैंप के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में बड़हरा के प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को संयुक्त रूप से जवाबदेही दी गई है। कैंप कार्यालय में आवश्यक दवाओं तथा एम्बुलेंस से लैस डॉक्टरों की टीम की तैनाती की गई है तथा उन्हें बाढ़ प्रभावित गांवों से सतत समन्वय बनाए रखते हुए वांछित चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रखंड कार्यालय में भी बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जिसका नंबर 7667127700 है। एक और नंबर 7759987511 तथा 8986377439 है। इसके लिए 3 पाली में कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है तथा पंजी का संधारण करते हुए शिकायत कार्यकर्ताओं की शिकायतों की प्रविष्टि तथा निष्पादन करना तथा फोन पर आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध करानी है। शाहपुर के लिए भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नंबर है 06182282038। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर बाढ़ आपदा के लिए जिला आपातकालीन केंद्र की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष नंबर है 06182248701। बड़हरा प्रखंड के 21 पंचायतों में प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर 82 कर्मियों को बाढ़ आपदा कार्य के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन करने का निर्देश दिया गया है। इस क्षेत्र में 26 मेडिकल की टीम का गठन तथा 60 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मेडिकल टीम को नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त प्रभावित क्षेत्र के गांवों में भी भ्रमणशील होकर आवश्यक चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जिसके अतिरिक्त वाटर एम्बुलेंस के द्वारा डॉक्टरों की टीम को आवश्यकता दवा के साथ प्रभावित गांव और टोलों में भ्रमण कर लोगों को समुचित इलाज प्रदान करने को कहा गया है। 22 शरण स्थली बनाए गए हैं तथा 145 नाव बड़हरा अंचल के लिए निबंधित की गई है। अंचलाधिकारी बड़हरा को प्रभावित क्षेत्र के गांव में आवश्यकता अनुसार नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न न हो। बड़हरा क्षेत्र के लिए 5000 पॉलिथीन सीट्स की व्यवस्था भी की गई है तथा कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को 12 चापाकल स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। इस क्षेत्र में राहत सामग्री का पैकेजिंग आरा के मैना सुंदर धर्मशाला में करने की योजना है। जिलाधिकारी ने बड़हरा क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर्मियों की प्रतिदिन संध्या ब्रीफिंग करने इन्फ्लेटेबल नाव से एनडीआरएफ और अधिकारियों की टीम के साथ भ्रमण किया तथा ग्रामीणों का हालचाल पूछा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को ग्रामीणों से लगातार समन्वय बनाए रखने तथा गर्भवती माताओं, नवजात शिशु, वृद्ध जनों, महिलाओं और बीमार व्यक्तियों के इलाज हेतु डॉक्टरों को सक्रिय एवं तत्पर रहने को कहा है। जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त माधव कुमार सिंह, डायरेक्टर डीआरडीए प्रमोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अरुण प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी बड़हरा सुशील कुमार, अंचल अधिकारी बड़हरा सहित कई अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित हैं। बड़हरा सहित